Hello everyone, this is Amit Chaudhary and welcome back to the channel. Hope you guys are doing absolutely fine. And so I am again. और आज हम लोग फिर से जा रहे हैं IPL match, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस, ये ले भाई खोल दे जरा, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स. वैसे तो हम दोनों का दोनों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम लोग सिर्फ मैच देखने जा रहे हैं. सब लोग ऐसा ही करते हैं यार, हर्ष ने भी उस दिन यही किया. हम लोगों ने गाड़ी निकाल ली, अभी निकलते हैं आगे. स्वयं बहुत सालों के बाद थाने आया है. कितने साल हो गए तेरे को? 5 साल. मोस्टली 5 साल, बहुत टाइम के बाद. बचपन में हम लोग बहुत मिलते थे, थाने आते थे, घूमते थे, फिरते थे, मजा करते थे. आज बहुत टाइम के बाद वैसा टाइम आया है, तो अभी हम लोग निकलते हैं. इट्स 5:40 नाउ और हम लोग लेट हो गए. वैसे जल्दी जाना चाहिए, वहाँ पे मज़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए अभी हम लोग अपनी फटाफट इधर पे निकलते हैं. लेट्स गो. तो हम लोग नेहरुल पहुंच गए हैं, टिकट्स ले लिए, गाड़ी पार्क कर दी है, लेट हो गए हैं, 6:30 बज गए हैं, शायद टॉस मिस हो जाएगा. अभी फटाफट चल के जाते हैं. काइंड ऑफ सिमिलर साइड व्लॉग है, उस दिन भी आए थे, लेकिन इस बार ये है, ये थोड़ा ज़्यादा मस्ती करता है, ये थोड़ा ज़्यादा एनर्जेटिक है, तो थोड़ा मज़ा आएगा मैच में. वैसे तो अपन दोनों को, दोनों ही टीम से कोई लेना देना नहीं है. सपोर्ट किसको करने का? मैं तो दिल्ली को, मैं लखनऊ का सोच रहा था. तू लखनऊ को सपोर्ट कर, मैं दिल्ली को सपोर्ट कर. चलेगा, मैं लखनऊ को सपोर्ट करता हूँ, दिल्ली को सपोर्ट करेगा. जो जीतेगा फिर उसके बाद देखेंगे, देखेंगे क्या करते हैं फिर हम लोग लास्ट में. आज कंपैरेटिवली क्राउड बहुत ज़्यादा है पिछली बार से, या फिर हम लोग इस बार लेट आए हैं, और पहले हम लोग जल्दी आए थे तो क्राउड इतना दिखा नहीं होगा हमें. तो ये अपना गेट आ गया है, अभी अपन अंदर जाते हैं और स्टेडियम में पहुँच के बात करते हैं. तो ये भाई को सिक्योरिटी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, तो मैं आगे निकल गया और ये पीछे रह गया. तो मेरे को लगा भाई ये गायब कहाँ हो गया, बहुत टाइम तक इसको ढूंढने में टाइम चला गया, लेकिन मिल गया. ये से पास में ही थे हम लोग, लेकिन चेक क्या कर, लोगों को थोड़ा ज़्यादा चेक करते हैं हम लोग. अच्छा, अपना स्टैंड ये. तो लकीली हम लोग जैसे ही स्टेडियम में पैर रखे वैसे ही टॉस हो गया, तो हम लोगों को लकीली टॉस देखने को मिल गया. इस बार अलग ऐसा था कि पिछली बार माइक को स्टेडियम स्पीकर्स के साथ कनेक्ट करना भूल गए थे शायद ये लोग, आज किया हुआ था, तो हम लोगों को KL और ऋषभ पंत का इंटरव्यू सुनने को मिला. सो इट वॉज नाइस हियरिंग देम लाइव. और यहाँ पर KL राहुल हैज़ वॉन द टॉस एंड ही चोज टू फील्ड फर्स्ट. पिछले मैच में आफ्टर टॉस इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लेने को नहीं मिला था, जो इस मैच में मिल रहा है, सो इट इज़ अ डिफरेंट फीलिंग. एंड यहाँ पर टॉस के बाद सारे प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं, देखने को बड़ा ही अच्छा लग रहा है. इस बार हम लोगों का थोड़ा सा ऊपर लेवल मिला है सीट्स, लेकिन डेफिनेटली हम लोग नीचे जाएंगे आफ्टर 4-5 ओवर्स. यहाँ पर कुणाल पांड्या प्रैक्टिस कर रहा है. सबको सेटल होने के बाद जहाँ जगह खाली मिलेगी हम लोग नीचे जाके सेटल हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तो हम लोग सेकेंड लेवल पर है. यहाँ से थोड़ा सा व्यू अलग दिखता है, थोड़ा सा सब दूर दूर दिखता है, बट येस इट इज़ नाइस, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. बहुत ही अच्छा क्राउड है यहाँ पर. Let's have some fun. तो स्टेडियम में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार है एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो यार वेरी मच एक्साइटेड. लेट्स सी. इधर से कैसा लगता है ग्राउंड एकदम पास में? जो प्लेस साफ नहीं है एक्चुअली, तो मेरे को इसको भी लेके आना था. तो इट्स डन नाउ. बहुत अच्छा लग रहा है फिर से आके यहाँ पे एक ही साल में दूसरी बार, तो यस अभी एंजॉय करते हैं. अभी अभी टॉस हो गया है एंड KL राहुल जीत गया है, शायद मेरा ही वाला है. हाँ मैं ही हूँ, मैं टॉस जीत गया हूँ और वी चोज टू फील्ड फर्स्ट. देखते हैं मज़ा आएगा. दो फ्लोर चढ़ने के बाद ऐसी हालत हो जाती है, तो बहुत गर्मी है यहाँ पर, लेकिन हवा है अच्छी खासी, हवा है अच्छी, नो प्रॉब्लम. टीम अनाउंस हो रही है अभी. Yeah!
इस बार हमारा लेवल थोड़ा सा ऊपर का है, पिछली बार हम लोग फर्स्ट लेवल पे थे, इस बार हम लोग सेकंड लेवल पे जाएंगे फिर से फर्स्ट लेवल पे, लेकिन फिलहाल तो हम सेकंड लेवल पे ही हैं। इंटरनेट नहीं चल रहा है यार यहाँ पे, देख दो लोगों को मैसेजेस भेजने नहीं जा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे इंटरनेट का। गर्लफ्रेंड को भेजना है थोड़ा बहुत अर्जेंट, ये काट दूंगा मैं एडिट तो मैं ही करूँगा। मैच इज गोइंग टू स्टार्ट। तो पहले ही बॉल से बहुत ही अच्छा सा स्टार्ट हुआ है, सेकंड बॉल पे बाउंड्री, फर्स्ट बॉल पे ऑलमोस्ट बाउंड्री, मज़ा आ गया। तो अपने को टीम से तो कोई खास लगाव नहीं है, बस एक ही इच्छा है कि ये मैच 200 प्लस का हो, शॉट देखने सुपर ओवर हो, हाँ सुपर ओवर हो, ऐसा कुछ हो तो जैसे भी मैच देखने में मज़ा आ जाए, तो बस देखते हैं। अभी फिलहाल तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, पृथ्वी शॉ बहुत सही खेल रहा है, देखते हैं अभी क्या होता है। और कार्डबोर्ड का लाना अच्छी रहा, अगर टीवी पे तो आते। ये पृथ्वी शॉ के बहुत ही ज़ोरदार लगा है पेट पे बॉल एंड ग्राउंडेड नाउ, सब लोग आ रहे हैं उनको देखने के लिए, सीधा पेट पे लगा है भाई के, देखते हैं ही मस्ट बी ओके। And he seems to be okay now. वापस खड़े हो गए हैं, what a spirit. लेकिन बॉल बहुत जोर से लगा था, पार्ट ऑफ द गेम चलते रहता है। He's ready to face the new game. पेट पे बॉल लगने के बाद बाउंड्री, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दर्द है अभी, शॉट मारने के बाद झुक गए थे। क्या लगता है स्कोर कितना होगा? 200 होना चाहिए, देखने में मजा आएगा मैच। विकेट गिरी नहीं है तो हो सकता है, हो सकता है, लेट्स सी। और ये दोनों खेल भी सही रहे, पृथ्वी भाई के पेट में लगा है, ओ अभी आउट हो सकता है। एंड पृथ्वी शॉ हाफ सेंचुरी, 56 रन हुए है और 50 तो पृथ्वी शॉ की है, 30 बॉल्स में 50, नाइस स्कोर। वार्नर के सिर्फ 4 ही रन हुए हैं, क्या बात है, अकेला बंदा इतना खेला, ग्रेट। एंड पृथ्वी शॉ इज आउट, कॉट एंड बोल्ड था भाई ने, रिव्यू भी नहीं लिया बस चल गया, पता था आउट है तो टाइम पास में भाग भाग के आ रहे हैं। रोमन पॉवेल, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है, वो लोग स्ट्रेटेजी बना रहे, हम लोग थोड़ा सा एनर्जी बना के आते हैं, पानी वानी पी के आते हैं थोड़ा। 10 रुपये का पानी का ग्लास है ये, हम लोग ऐसे पी रहे जैसे कि हम लोग क्या पी रहे। तो अभी अभी क्लीन बोल्ड हुआ है, अब अपनी बारी है। अच्छा मैच है, पावर प्ले में मैच बहुत फास्ट था, अभी स्लो हो गए और हम लोग एक लेवल, 3 विकेट पीछे भी आ गए, बहुत ही जल्दी गिर गए। हाँ 3 विकेट बहुत जल्दी गिर गए, पॉवेल भाई तो 3 रन भी आउट हो गए, पता नहीं आगे क्या होगा इस टीम का, देखते हैं क्या होता है। तो स्टेडियम में गोल्डमैन भी मौजूद है एंड उनके ऊपर तो कैमरा एक ना एक बार जरूर आएगा। अच्छा वरना हमें तो अपन राउंड देते, अभी हम लोगों को पता चला 12 ओवर हो गए, अभी लोग 8-10 ओवर हुए रहेंगे, मेडन ओवर हुई और अभी मेडन ओवर हुई, हमने वो भी ध्यान नहीं दिया। तो ये ऐसा होता है जब आप अपनी फेवरेट टीम्स के मैच नहीं देख रहे होते। और ये ग्लास मैंने अभी तक फेंका नहीं है, 10 रुपये का ग्लास है, इसके लिए अभी तक पकड़ के रखा है। मस्त धंधा है ये, बहुत सही धंधा है, 30 रुपये की बाटली 10-10 रुपये में बेचो, एक बॉटल में कम से कम 2-3 ग्लास तो भर ही जाएंगे, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, और पूरा भी नहीं भरते ये लोग, ये तक भरते।
मस्त पैसा कमाते हैं, ग्रेट बिजनेस। मेरे को भी यहाँ पे एक स्टॉल लगाने को देना चाहिए, बहुत पैसा मिलेगा। और ये लोगों ने पावर प्ले में बहुत फास्ट खेला है, जब से पावर प्ले ख़त्म हुआ ये लोग खेल ही नहीं रहे। ऋषभ भाई तो मतलब 15 बॉल में 5 रन, टेस्ट खेल रहे हैं, मजा नहीं आ रहा। मार दे मार, क्या अंदर दुनिया। मेरे को नहीं लगता इनसे कुछ होता है। 160 का जाएगा जाएगा, उम्मीद रखते हैं। अभी भी दिल्ली को सपोर्ट कर रहा है, छोड़ दिया। नहीं नहीं, दिल्ली को ही सपोर्ट कर रहा है। अरे वाह, गाना अच्छा है। आखिरी ओवर बचा इनिंग का, देखते हैं भाई लोग क्या करते हैं। इस बार तो मार दो दोनों, यही उम्मीद रहेगी इनसे, देखते क्या होगा। और चेंज ऑफ इनिंग्स ब्रेक में ये कमाल का लाइट शो हुआ था, अमेजिंग फीलिंग, अमेजिंग वाइब। पिछले मैच में ये नहीं था, शायद फर्स्ट मैच था इसलिए इतना तैयारी नहीं था, लेकिन दिस वाज अमेजिंग, डिफरेंट फीलिंग। बैक टू बैक फोर्स फ्रॉम क्विंटन डिकॉक, मज़ा आ रहा है देखने को, ऐसा ही कुछ देखना चाहते हैं हम। और फिर से एक और चौका, क्या बात है, 3 लगातार, मज़ा आ गया देखने को, शाबाश शाबाश क्विंटन, अमेजिंग 6 बाय क्विंटन डिकॉक, शॉट था, क्लास शॉट। पहली बार मैं स्टेडियम के अंदर ऐसा रिव्यू देख रहा हूँ, मैंने आज तक जितने भी मैच देखे उसमें रिव्यू नहीं था कभी, किसी ने लिया ही नहीं। मुझे तो आउट लगता है, आउट हो गए। यहाँ पर रिव्यू दिख रहा है, अरे क्या इसके बाद ट्विस्ट आ सकता है मैच में? मैच में ट्विस्ट आना चाहिए वैसे तो, किसी के भी साइड से आए, चलो आए तो। तो मैच ठीक है, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, आखिरी ओवर नहीं, आखिरी ओवर तक गया है। हाँ अभी तो ऑफकोर्स लखनऊ ही जीतना चाहिए, अभी दिल्ली जीत गया तो फिर क्या ही बोले हम। देखते हैं, सिर्फ एक शॉट की बात है, पहली बॉल पे भी लग सकता है, शायद आखिरी बॉल पे भी लग सकता है। आखिरी ओवर लॉर्ड शार्दुल ठाकुर का नहीं, क्राउड घर जाने की बहुत जल्दी में सब खड़े हो गए। अब वैसे तो बहुत टाइम से पीछे चल रहा है मैच, और ये लॉर्ड शार्दुल ठाकुर मैच में ट्विस्ट, मैच में इंटरेस्ट अभी भी बचा हुआ है। पहली बॉल पे भाई आउट हो गए, 5 बॉल 5 रन, पता नहीं क्या होगा। सपोर्टर लखनऊ के लिए ताली बजा रहा है, और ये स्टाइल से फिनिश किया आयुष बादोनी ने, एंड लखनऊ सुपर जायंट हैज वॉन द गेम। टेक्निकली मैं जीत गया और भाई हार गया, किसी बड़े आदमी ने कहा गेम में हार जीत होती रहती है, करेक्ट। तो गेम में मजा आया, बोर भी हुआ, सब कुछ था, मैच अच्छा था, देखने जैसा भी था और नहीं भी था। तो यस, नाइस मैच, नाइस गेम, वेल प्लेड एवरीवन। तो हम लोग अभी आ गए हैं नीचे, एज़ कम्पेयर टू लास्ट मैच, दिस मैच में सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा सीरियस है, निकाल रहे हैं सबको बाहर, और ये वाला गेट भी बंद है, हम लोग लास्ट टाइम इस वाले गेट से गए थे तो ये गेट भी बंद है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारी गाड़ी के पास, अंदर अंदर के रास्ते से जा रहे हैं, बाहर से बहुत चलना पड़ता है, तो पहुँचते हैं गाड़ी के पास और जाते हैं फिर कहीं पर खाने। हम लोग आए बर्गर किंग थोड़ा सा खाना खाने नाश्ता, तो हम लोग अभी जाते हैं अंदर और देखते हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, लेट्स गो इन फर्स्ट। बर्गर किंग से निकल के होटल शिवम में आए, बर्गर खा के पेट नहीं भरा तो कुछ और, तो अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ निकलते हैं यहाँ से, घर पे जाके बात करते। तो बस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, यहाँ तक देख लिया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। एंड मैच बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत ज़्यादा बोरिंग भी था, इट हैज़ एवरीथिंग अ व्यूअर्स वॉन्टेड टू वॉच, सो यस, अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम द प्रीवियस मैच। आई होप आगे भी ऐसे मैचेस देखने को मिले, एंड अभी
आप अगले आने वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, सी यू सून।